तुम्हारी है ओ भैया, अगर फिर भी गिर ना सको तो भैया मेरा बदला दे दो, क्योंकि अरे करियो यादी अरे बाद लगी करियो यादी अरे बाद लगी जब उंगली कटी तुम्हारी समरिया मेरे बिना कन्हैया मेरी लाज बचाओ, तो भगवान कन्हैया द्वारिका से नंगे पैर दौड़ तुम्हें आए और चीर बढ़ा दिया। वो हरी बैंगनी लाल पीली नीली सफेद नारंगी बैंगनी साड़ी है और लगता संसार के जादूगर ने खोली यहां बजाजी है। जैसे बजाज की दुकान होती है और बजाज की दुकान पर साड़ियों के ढेर लग जाते हैं, वही द्रौपदी की साड़ी के अंबार लग गए। ऐसा ही नहीं, जो दुशासन साड़ी खींच रहा था, 10,000 हाथियों का बल था जिसमें, कोई उनको क्या कहे जिनके सहाय यदुवीर, 10,000 गज बल घटो पर घटो न गज भरे जी। 10,000 हाथियों का जिसके अंदर बल था, वो दुशासन मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो गज भर साड़ी नहीं खींच पाया। भाइयों, द्रौपदी की लाज बचाई किसने? भगवान ने।
परमात्मा ही लाज बचाता है। और भाइयों वहीं से ये महाभारत शुरू हो गया। यहां तक हुआ कि पांडवों ने एक एक करके जो कौरवपति दुर्योधन था, दुर्योधन सहित 100 भाई थे, पांडवों ने सबका विनाश कर दिया, सब मार डाले। अंत में दुर्योधन भीम के द्वारा जंघा तोड़वा दी। दुर्योधन ब्यास सरोवर के पास में हिचकियां ले रहा था, अपनी अंतिम सांसों को गिन रहा था, लेकिन वहां पर अश्वस्थामा पहुंचा है। अश्वस्थामा ने जब देखा है तो कहा, राजन तुम्हारी यह दशा किसने की? कोई तुम्हारे हृदय में इच्छा या भावना हो तो बताओ, क्योंकि हमारे अंदर सामर्थ्य है, आप बताओ हम उसी पांडव को मार सकते हैं। बताओ पांचों पांडवों को मार दें। तो अश्वस्थामा ने कहा, पांचों पांडवों के सर काट के हमारे पास ले आओ। तो अश्वस्थामा, हस्तिनापुर का राज हम तुम्हें सौंप देंगे। अश्वस्थामा ने वचन दिया कि कल प्रातःकाल जब होगा तो पांडवों के सर काट के मैं लाऊंगा। अब भाइयों अश्वस्थामा ने यह बीड़ा चबाया कि पांडवों का वध मैं करूंगा। भगवान कन्हैया पहले ही समझ गए कि अश्वस्थामा चोट चलाएगा, पांडवों के वंश को मिटाने के चक्कर में है। तो भगवान कन्हैया पांडवों को लेके चले कहां? गंगा क्षेत्र की तरफ। पांडवों के पांच पुत्र थे, उनसे भी कहा, बेटा तुम भी हमारे साथ चलो। रात्रि का वक्त था। पांडवों के बच्चे कहने लगे, तुम्हें न तो नींद आती है न तुम कभी थकते हो। अरे सोने का वक्त है, रात का समय है, कितनी अच्छी नींद आ रही है, पिताजी को ले जा, हम कहीं नहीं आएंगे। मना कर दिया। पांडवों को लेके भगवान कन्हैया चले गए। अश्वत्थामा रात में आया, शिविर में पांचों पुत्र सो रहे थे। ये दुष्ट नहीं समझ पाया कि पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। पांडवों जैसे चेहरे, पांडवों जैसा शरीर। पांचों पुत्रों के सर काट के दुर्योधन के पास प्रातःकाल होते ही लेके पहुंचा। दुर्योधन से कहा, महाराज लो पांडवों के सर हम काट के ले आए। तो दुर्योधन इतना खुश हुआ, जीवन में इतना खुशी कभी नहीं हुआ होगा भाइयों। और कहा कि भीम ने मेरी ये दशा बनाई है, तू भीम का सर हमारे हाथ में दे दे। भीम तो नहीं थे, भीम का पुत्र सुसेन था, बड़ा खोपड़ा, बड़े बड़े नेत्र, वही सर लेके दुर्योधन के हाथ में थमा दिया। दुर्योधन देखता रहा, प्रसोद की ज्वाला में धधक रहा था। दोनों हथेलियों के बीच में दबा के जैसे ही पीसना चाहा तो वो सर मिसल गया। दुर्योधन को शंका हो गई, भीम का सर इतनी आसानी से नहीं फूट सकता। दुर्योधन समझ गया इसने धोखा कर दिया, ये तो पांडवों के बच्चों की सर काट लाया। तो जितना खुशी हुआ था उतना ही दुखी हुआ, जितना पहले सुखी हुआ था उतना ही दुखी हुआ। और कहा, अरे दुष्ट अश्वस्थामा तू मेरी आंखों के सामने से चला जा, चला जा, तेने तो हमारे वंश की बेल ही नष्ट कर दी। मैंने पांडवों के सर लाने के लिए कहा था, लेकिन तू पांडवों के बच्चों के सर काट लाया। दुख और सुख समान हुए, दुर्योधन का प्राणांत हो गया। उसे ये वरदान मिला था कि जब तक दुख सुख तुम्हारे समान हो जाएंगे उसी दिन तुम्हारा प्राणांत होगा।